नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के इस एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। इस महीने हम आपके लिए कुछ ऐसे केसेस लेकर आएंगे जो शायद आपने पहले कभी ना तो सुने होंगे और ना ही देखे होंगे। इस पूरे महीने हमारे साथ क्राइम रिपोर्टिंग के कुछ दिग्गज रिपोर्टर्स जुड़ेंगे। आज के इस केस पर अपनी नजर बनाए रखेंगे हमारे खास मेहमान, एंकर और न्यूज रिपोर्टर शम्स ताहिर खान। हमारा देश विभिन्न मानसिकताओं का शिकार है और यह हादसा एक तमाचा है हमारी उन मानसिकताओं पर। हमें शर्म आनी चाहिए। जिस देश में हम औरतों को देवी मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, लेकिन इसी देश में बलात्कार के आंकड़ों को देखें तो गुस्सा आता है, शर्म आती है। लेकिन बलात्कार सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है बल्कि खून है, समाज का, कानून का, इंसाफ का और सबसे बड़ी बात उसे एक पूरे परिवार का। कौन है ये लड़की और कौन है वो वैश्य जिनकी ये गिरफ्त में थी, कैसे वो उनके चंगुल में फंसी। इस केस ने पूरे देश को खौला कर रख दिया था। इस केस ने एक बड़ा सवाल किया है हमारी मानसिकता पर, हमारी नैतिकता पर। दीदी, पापा के लिए शॉल, उनका बर्थडे गिफ्ट, उन्हें खुशी होगी ना। देखना खुशी के मारे पागल ही ना हो जाए। अरे पापा तो पहले से ही पागल है, बट ही इज द बेस्टेस्ट फादर। और आपको पता है क्या, इस शॉल में काफी क्रेडिट आपको भी जाता है। आपने मुझे नेटवर्किंग बिजनेस में इंट्रोड्यूस करवाया, उसकी वजह से मैं पैसे कमा पाई और पापा के लिए ये शॉल खरीद पाई। तुम हमारे सिर्फ नेबर नहीं हो, बचपन से देखते आए हैं तुमको। अच्छा मेंबर बनाए तुम आगे? कहां यार दीदी, उसका फोन भी आया था, कह रहा था पिछले महीने तक तो काफी मेंबर बना रही थी, फिर इस महीने क्या हो गया। अब आप ही बताइए, कॉलेज खुलेंगे तो फिर कोशिश करूंगी। लेकिन अभी कहाँ जा रही हो? अरे वो पापा का बर्थडे है ना कल, तो सोच रहे हैं आज रात को जाके उनको सरप्राइज दे दे। अकेले? हम भी जाने वाले दो चार दिन में, साथ में चल लेना। अरे चले जाएंगे ना दीदी, हमारा कोई का बिगाड़ेगा, और वैसे भी करोड़ी मोड़ तक तो पलाश आ ही जाएगा हमको लेने के लिए, फिर का डर। दीदी अब हम चलते हैं। भैया हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या भैया कर रहे हैं तू? पिछले महीने तूने काफी मेंबर्स बनाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि इस महीने तो एक भी मेंबर नहीं बनाए कि तो चलेगा। कॉलेज के सब लोग पहले से ही मेंबर बने हुए हैं। तेरे कॉलेज की दूसरी लड़कियां कैसे मेंबर बना रही है? तो बहाने कम और काम ज्यादा कर। वो हम घर जा रहे थे तो वहाँ जाकर। वो बरनपुर में रहती है ना, जा तू। हेलो किसका फोन आया है हमको? आपकी गुड़िया का। अब घर कब आ रहे? बस यूं काम खत्म किया और हम झटाक से घर पहुंचे। अभी भी आप काम कर रहे हो? और का टाइम पास कर रहे हैं। अरे इसको सोने के लिए बोलिए ना। हमारी गुड़िया कौन है? मैं हूँ। तो जल्दी से सो जाओ। ठीक है बाबा, गुड नाइट। गुड नाइट गुड़िया। हाँ बोलो। हाँ बस निकल गए, पर कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। किसी औरत की इज्जत से खेल के कैसे बच सकते हो तुम? तुमको पता तुमको डिस्गस्टिंग है यार। 17 टेक दे चुके हो, 2 लाइन ठीक से बोली नहीं जाती और एक्टर बनना है तुमको। सॉरी सर, भैया का फोन है, उठाना पड़ेगा। हेलो, आधा घंटे में? हाँ ठीक है, आ रहा हूँ। ऐसा मेरे को कौन छोड़ेगा? भैया आपका फोन मिल सकता है एक फोन करने के लिए? वो हमारे फोन की बैटरी डेड हो गई है, आप किराए के साथ में जोड़ लीजिएगा जितना भी होगा। अरे आप यूज कर लीजिए ना, इसमें फोन करने में कितना पैसा लगेगा। हेलो, चलें। अबे यार संपत, तू भी ना
एक तो वैसे ही तेरा दिमाग दुआने कम है और ऊपर से तुमने इतनी घटक ली है। अबे सीधे चलना। अबे देख क्या रहा है, मस्ती करनी है कि नहीं है? आपको पक्का यहीं उतरना है ना? इसलिए कह रहे ना कि ये जो रास्ता है बहुत सुनसान है तो। अरे नहीं, हम यहाँ पास में ही रहते हैं, भाई आ जाएगा हमको लेने के लिए। आप कहें तो आपको छोड़ आते हैं आगे तक। नहीं नहीं, भाई आएंगे हमको लेने के लिए। पलाश, पिंकी को फोन कर। अगर आपके फोन से नहीं लग रहा है तो हमारे फोन से कैसे लगेगा फोन? अरे उसका फोन बंद जा रहा है और उसने फोन भी नहीं किया है। पढ़ाई कर रही होगी। हाँ भाई, ये लीजिए, सुन लो। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है। पता नहीं इसका फोन स्विच ऑफ क्यों जा रहा है। कोई नहीं होगा, जाओ टेंशन मत लो, ताला तोड़ो। इसे भी देखो ये कितनी बेताब हो रही है। कविता का फोन भी बंद आ रहा है, पता नहीं कहाँ चले गई होंगी ये दोनों। हॉस्टल में पार्टी चल रही होगी, बॉटल्स वॉटल्स फुल रहे होंगे। सब तेरी तरह नहीं होते हैं पापा, वो एंजॉय कर रही हो, अब टेंशन मत लो। कौन आया होगा? चुप चुप हो जा, काट के रख देंगे। चुप। ए लड़की, अरे ये तो बेहोश होगी यार। वैश्यत की हर सीमा को पार कर रहे थे ये लोग, पर ये थे कौन? क्या ये किसी बड़ी दुश्मनी का नतीजा था जो पिंकी को भुगतना पड़ रहा था? अपनी बेटी का फोन उठाकर उससे प्यार से बात करते हुए मन में एक बार भी ख्याल नहीं आया कि पिंकी भी किसी की बेटी है। हमारी गुड़िया कौन है? जब पूरी रात गुजर जाने के बाद भी पिंकी वापस नहीं आई, तब जीवन पुलिस स्टेशन गया। बताओ क्या हुआ? सर, हमारी बेटी पिंकी कॉलेज हॉस्टल में रहती है। कल रात से हम लोग उसका फोन ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उसका फोन बंद जा रहा है। तो सुबह में हमने उसकी वार्डन को फोन किया, वार्डन ने बताया कि वो कल शाम को ही वहाँ से घर के लिए निकल गई है। सर अभी तक घर नहीं पहुँची है। ये कॉलेज और हॉस्टल कहाँ है? हजारीबाग में। कोई लड़के वड़के का चक्कर था?
कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमारी बच्ची 16 साल की है। अब क्या करना है? करना क्या है मतलब? घर चलो सालो, हमारी बेटी घर पे हमारा वेट कर रही है। ये रांची पहुंचने में टाइम भी लगेगा। अरे लड़की का क्या करना है, हालत देखिए उसकी। कभी साले की वजह से तुम लोग देख लो क्या करना है। लेकिन साला ये घर किसका है? ताला तोड़ कर अंदर घुसे थे भाई की। हमें पता है कि इसका ओनर रांची में रहता है, समझे? वही साला। असली पुलिस है, हम तो टेंशन में आ गए थे। अरे टेंशन कहाँ ले रहे हो, तो नाकाबंदी से निकलने का उपाय ढूंढने लगे थे हम। नाकाबंद? सर, अरे आप लोग अभी तक यहीं पे हैं? देखिए मैं अभी अभी हॉस्टल से पता करके आ रहा हूँ। आपकी लड़की कल शाम को ही घर के लिए निकल गई थी। घर के लिए निकली थी सर? उसने तो मैं सब कुछ नहीं बताया सर। वो जरूर किसी मुसीबत में है। हॉस्टल से घर कैसे आती थी? पिंकी हॉस्टल से कभी अकेले बाहर नहीं निकलती है। बाय। उस एरिया और उस एरिया के आसपास के सारे थाने में मैंने उसकी फोटो भिजवा दी है। और उसके बाद स्टेट हाईवे भी पड़ता है जहाँ हमेशा नाकाबंदी रहती है। मतलब? घर जाइए, मुझे पक्का विश्वास है कि आपकी लड़की घर से भाग गई है। ये किसी बॉयफ्रेंड वगैरह का मामला है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? सर हमारी बात तो सुनिए। वो क्या है, उस पूरे एरिया में मैं सब जगह पता कर चुका हूँ। तुम्हारी बेटी का कुछ पता नहीं चला। मगर सर कहीं तो गई होगी ना मेरी बहन। वही तो, कहीं तो गई होगी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। जब आए खबर कर देना। सर एक बार बोला ना, जाओ जाओ। दीदी, पापा के लिए शॉल, उनका बर्थडे गिफ्ट, उन्हें खुशी होगी ना। दोबारा मिलना मत कभी जिंदगी में। अरे भक्साला, जी इंडिया की लड़की है। पिंकी, पिंकी, पिंकी बेटा, पिंकी उठ ना। लाश, इसकी सांसें चल रही हैं। एम्बुलेंस को फोन कर दो। हाँ पापा, जल्दी जल्दी कर। हाँ। पिंकी,
साहब मेरी बेटी डॉक्टर साहब की डॉक्टर साहब हमारी पिंकी को बचा लीजिए इसकी सांसें चल रही हैं अभी तक देखिए एक तो ये पुलिस केस है जब तक पुलिस नहीं आ जाती हम कुछ नहीं कर सकते ऐसा मत कहिए डॉक्टर साहब मैं आपके हाथ डॉक्टर साहब मैं आपका पैर पकड़ता हूँ मेरी देखिए केस बहुत बिगड़ा हुआ है हॉस्पिटल बहुत छोटा है यहाँ इसका इलाज नहीं हो सकता आप समझने की कोशिश कीजिए इसको जल्दी से कहीं और लेके जाइए एम्बुलेंस बुलवा दो बाहर जाकर कह दे एम्बुलेंस बाहर गई है किसी भी पेशेंट को हॉस्पिटल द्वारा एडमिट ना करना एक कानूनन जुर्म है और इसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और पेशेंट के आते ही उसका इलाज शुरू करना जरूरी है पुलिस का इंतजार करना जरूरी नहीं है ऐसे केसेस में हर एक मिनट कीमती होता है कई बार एक मिनट की देरी भी जिंदगी और मौत का फर्क बन जाती है पहले तो पुलिस ने पिंकी के लापता होने को सीरियसली नहीं लिया था लेकिन अब वो बदलने वाला था नहीं मिल रहा है एम्बुलेंस को टाइम लगेगा हम बाइक लेकर आ रहे हैं चलते बोला अरे जा रहे कुमार मुझे इस वायरल वीडियो के इंसिडेंट की सारी डिटेल्स चाहिए इमीडिएटली अभी भी इलाज चल रहा है कोई कुछ भी नहीं बता रहा पहले ही कह रहे थे आपसे उसे मत भेजिए हमसे हम खूब पढ़ाना चाहते हैं अपनी बिटिया को ये आईएएस बनेगी ये और आईएएस तो चुप कर इसे क्यों डांट रहे हैं आप लड़की को इतनी दूर अकेले नहीं भेजते कुछ भी बोलती है कुछ नहीं होगा इसे और रही बात इसकी पढ़ाई की तो ये यहां रहकर भी पढ़ाई कर सकता है अरे काहे पैदा किया हमको अगर हमसे इतनी नफरत करता है हॉस्पिटल के सन्नाटे में भी उस लड़की की चीख उसके मां बाप को सुनाई दे रही वो हॉस्टल से निकली तो अकेली थी तो फिर क्या रास्ते में कोई और उसके साथ हो लिया क्या ये सोची समझी प्लैंड क्राइम का हिस्सा है या फिर बदकिस्मती से अचानक गलत जगह पर गलत वक्त पर पहुंचने का नतीजा क्राइम जिसने भी किया वह इंसान नहीं बल्कि इंसान के रूप में भेड़िया है सच कहूं तो यह भी कहना मुश्किल है कि इन्हें होश आएगा भी या नहीं ऐसे केसेस में पेशेंट को कई बार तो होश आने में सालों लग जाते हैं और कई बार तो इनके साथ कम से कम 5 से 6 लोगों ने गलत काम किया है एग्जैक्ट रिपोर्ट आने में थोड़ा वक्त लगेगा मतलब हमें स्टेटमेंट की कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए नॉट एट ऑल कुमार इसके शरीर पर से जितने भी डीएनए सैंपल्स मिलते हैं उसकी जांच करवाओ हमारे डेटाबेस में जितने भी क्रिमिनल्स के डीएनए हैं उनसे मैच करवाते हैं तुम जैसे लापरवाह लोगों की वजह से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम है लड़की के बाप ने मिसिंग की कंप्लेन कब लिखवाई सर आज ही सुबह आज सुबह और तुमने बिना केस की तहकीकात किए केस बंद कर दिया उनकी कंप्लेन पर कार्रवाई क्यों नहीं की सर लड़की के फादर जब कंप्लेन करने के लिए आए थे तो उनके पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं था कुमार स्वाति मैं नहीं जानता कि ये सब कैसे होगा लेकिन मुझे जल्द से जल्द सारे आरोपी जेल के अंदर चाहिए हिस्ट्री शीटर्स को पकड़ो पूछताछ करो अपने खबरियों को अलर्ट करो डू व्हाटएवर इट टेक्स एम आई क्लियर राइट सर अब तक हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है सर लड़की कॉलेज के हॉस्टल से शाम को निकली थी ये कह के कि घर जा रही वो पापा का बर्थडे है ना कल तो सोच रहे हैं आज रात को जाके उनको सरप्राइज दे दे फिर कॉलेज से ऑटो या बस से करोदी मोड़ तक गई होगी लेकिन उससे वहाँ लेने कोई गया नहीं क्योंकि उसने घर पे आने की इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं दी शाम को 7 बजे के बाद उस एरिया में बस सर्विसेज बंद हो जाती हैं सर हो सकता है वो रिक्शा लेकर गई हो मुझे हर 2 घंटे में अपडेट चाहिए और हाँ इस हॉस्पिटल ने उसे एडमिशन नहीं दिया था डोंट स्पेयर देम
लड़की करोदी मोड़ से 4 किलोमीटर की दूरी पर मिली थी। इसका मतलब है क्राइम का एरिया बड़ा नहीं होगा। करोदी मोड़ के 10 किलोमीटर के रेडियस में छानबीन शुरू करो, पूछताछ शुरू करो, दुकानदारों से पूछताछ करो, रास्ते पर भीख मांगने वालों से पूछताछ करो, वहां से रोज गुजरने वालों से पूछताछ करो। माँ कसम मैडम, हम सच बोल रहे हैं, हमने जाते हुए उस दिन देखा था उसको। हमेशा जाते वक्त बाय कर दी थी, पर उस दिन ऐसा उसने नहीं किया। कौन कौन था उसके साथ? नहीं मैडम, उस दिन तो अकेली थी। किस तरफ गई थी? एक ही रास्ता है मैडम, बस भी वहीं से मिल जाता है और ऑटो भी। ए रिक्शे वाला, ए अरे साहब, क्या हो गया साहब? कल कॉलेज के हॉस्टल से कौन सी सवारी लेके निकला था तू? मैडम क्या हो गया, हम कुछ नहीं किए हैं। मैडम हमने तो उससे कहा भी था कि अगर वो चाहे तो हम उसको घर छोड़ सकते हैं। आप कहें तो आपको छोड़ आते हैं आगे तक। नहीं नहीं भैया आएंगे हमको लेने के लिए। एक बार हमने सोचा कि जाके उससे पूछते हैं कि अगर कोई मदद चाहिए तो हम कर देते हैं। फिर हमको याद है कि वो हमसे हमारा फ़ोन तो ली थी, उसका फ़ोन बंद हो गया था ना, उसने हमारे फ़ोन से किसी को फ़ोन किया था। किसको फ़ोन किया था उसने? हम आपको वो फ़ोन नंबर दिखाते हैं, हमारे फ़ोन में है, ये नंबर है मैडम। और नहीं था तो पूरी तरह से मार देते ऐसी हालत करके। पुलिस को भी अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ बेटी। ये करीब 1 साल पहले की बात है। बेटा क्या हुआ? तुम्हारी कोई गलती नहीं थी अंकल। अंकल ये गलत है। कौन बोला तुमको कि ये सब गलत है? हैं? एक बार करके देखो, तुमको भी बहुत मजा आएगा पिंकी। हाँ एक बार करके तो। अरे पिंकी, ए पिंकी, पिंकी, अरे तुम गलत समझ रही हो। उठा के ले गया उसको, के बाद आपने क्या किया? मैंने पिंकी को चुप कराया। देख बेटा, किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे माँ, बस आप हमेशा हमारे साथ रहना। अपनी बेटी के साथ खड़े होने के बजाय आपने उसका मुंह बंद कर दिया। तो क्या बदनाम हो देती थी अपने बच्चे को? लेकिन मैंने उसे कुछ छोड़ा नहीं। दोबारा अगर पिंकी की तरफ देखे भी ना तो हम मुंह नोच लेंगे दोबारा। एक हफ्ते पहले ये बात मैंने कविता को बता दी थी। पुलिस ने क्रिमिनल को जल्दी पकड़ने का दावा किया है, मगर 48 घंटे बीत जाने के बावजूद पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा। वो लड़की भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही, उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही। मगर दूसरी तरफ पुलिस ने अब तक उस हॉस्टल में भी जांच नहीं की जहां पिंकी रहती है। कविता भी शक के घेरे में नहीं है। क्या इस केस का कोई सिरा उस हॉस्टल से जाकर मिलता है? बहुत मुमकिन है। क्रिमिनल चाहे जो भी हो, उसने जिस तरह से इस घिनौने अपराध को अंजाम दिया, उसके लिए उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी ही चाहिए। इस वक्त हम उस जगह पर खड़े हैं जहां पिंकी बेहोशी की हालत में मिली थी, और पुलिस को यहां गाड़ी के टायर्स के कुछ निशान भी मिले हैं। पुलिस पूरे एरिया में छानबीन कर रही है। इन कमीनों को तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए। तुम काहे बदला ले रही हो? क्यों ना दो, मेरी भी बेटी है, कल को अगर उसके साथ कुछ बुरा हुआ तो। ऐसा मारेंगे ना, नानी याद आ जाएगी। जाओ चाय ला के दो। पुलिस को यहाँ गाड़ी के टायर्स के मार्क्स भी मिले हैं। पुलिस पूरे एरिया में छानबीन कर रही है। दूसरी तरफ डॉक्टरों से जानकारी मिली है कि पिंकी की हालत अभी नाजुक बनी हुई है। अबे साले, ये लड़की का केस देख कितना बढ़ गया है। और देख, तेरा भाई वापस आ रहा है, और हम ना कल थोड़े पैसे जमा करके 2-3 दिन में गांव निकल जाएंगे। और मेरी बात ना ध्यान से सुन, ये लड़की का फोटो देख के ना ज्यादा एक्साइटेड ना हुआ कर।
हमारे पापा, हम इतना प्राउड फील करते थे उनके लिए, लेकिन जब आशा आंटी ने हमें बताया हमें तो यकीन ही नहीं हुआ। हमने सीधा जाके पापा से बात की। पिंकी को गलतफहमी हो गई है। ऐसी बातों पर किसी भी लड़के को गलतफहमी नहीं हो सकती पापा। अरे बेटा वो हमें बदनाम करने की कोशिश। हाथ मत लगाइए मुझे, घिन आती हमको आपसे। बेटा अरे सुनो सुनो कविता। नहीं नहीं सर, हम पिंकी के साथ कुछ भी नहीं किए हैं सर, हम सच कह रहे हैं। बल्कि पिंकी के साथ जिस रात ये सब हादसा हुआ है हम तो अपने घर पे ही थे सर। मतलब तूने ये सब किया नहीं है, करवाया। हवलदार इसकी जम के खातिरदारी करो, अभी तो ये बहुत कुछ बताएगा। सर फिक्र उसे। सर सर सच्चे में आपकी पिंकी से आखिरी बार बात कब हुई? परसों सुबह। वो रोज सुबह गुड मॉर्निंग बोलने के लिए फोन करती थी। तुम्हारी? हमसे तो 3 दिन पहले। उसके बाद कोई फोन नहीं है? नहीं सर। जब पिंकी ने तुझे ऑटो ड्राइवर के फोन से फोन किया था तो तूने पुलिस को क्यों नहीं बताया? हम डर गए थे सर। हेलो भैया, हम बोल रहे हैं पिंकी। ये किसके नंबर से फोन किया तूने? अरे वो हमारे फोन की बैटरी डेड हो गई थी इसलिए ऑटो वाले भैया का नंबर लिया है। वो कल पापा का बर्थडे है ना, इसलिए हम गिफ्ट लेकर आए उनके लिए, उन्हें सरप्राइज देना चाहते हैं। तुम मोड़ तक आ जाते हमको लेने के लिए? अगर तुम पढ़ाई करने इतने दूर जा सकती हो तो वापिस भी तो आ सकती हो ना घर पे अकेले। हम गुस्से में नहीं गए थे सर, लेकिन बाद में जब हमें पता चला कि पिंकी की क्या हालत हो गई है बहुत ज्यादा डर गए थे सर। असलम ये गाड़ी के चारों टायर चेंज कर दो। अभी तो बंद करने का टाइम हो गया सर। अरे कर दो, सुबह बहुत जल्दी अर्जेंट जाना है, तुम थोड़ा ज्यादा पैसा ले लेना। तो फिर निकाले हुए टायर का क्या करोगे? ये गाड़ी में डाल देना, अपने कजिन की गाड़ी में डलवा देंगे। सर रिक्शे वालों के बयान से पता चला कि वो करोदी मोड़ तक गई थी सर, उसके बाद उसे ट्रेस नहीं कर पा रहे क्योंकि उसका फोन स्विच ऑफ था। जहाँ पिंकी मिली वहाँ उसकी बैग के अलावा कुछ मिला? सर ये शॉल जो उसमें उसे लपेटा गया था और ये कपड़ा जिसमें उसे बांध के फेंका गया। सर कपड़ा शायद किसी कर्टन का होगा। ये देखकर तो लगता है कि ये किसी घर का है और घर काफी महंगा होगा। हमारा मोबाइल चोरी हो गया है, नया सिम लेना है। सर परसों शाम को करीब 8 बजे मोबाइल चोरी हो गया मेरा, कब तक मिल जाएगा सर? आपकी बेटी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, पूरे शरीर में जहर फैल चुका है, अगर इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ गया तो फिर हमें ब्रेस्ट को एम्पिट्यूट करना पड़ेगा, यानी कि चेस्ट को काटना पड़ेगा। देखिए मैं समझ रहा हूँ आप लोगों के ऊपर क्या बीत रही है, लेकिन अगर हमने ये इलाज नहीं किया तो आपकी बेटी को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। औरत की ममता, उसकी इज्जत, उसकी खूबसूरती का सबसे बड़ा गहना उसके शरीर से अलग करना पड़ सकता था। दरिंदगी की इंतहा थी कि बलात्कार के साथ साथ वो हैवानियत पर भी उतर आए थे। पुलिस को उन लोगों तक पहुंचना था मगर सबसे पहले पुलिस को क्राइम सीन की तलाश थी। और सबसे बड़ी बात जो अभी मिस्ट्री बनी हुई थी कि पिंकी के साथ ऐसी दरिंदगी करने के पीछे का मकसद क्या था और उन 6 दरिंदों का पिंकी से क्या कनेक्शन था। हेलो, चोरी कहाँ पर? सर आइए सर, देखिए चोरों ने क्या हालत कर दी हमारे घर का, पूरा तहस नहस करके रख दिया है सर।
हमारी छानबीन जारी है सर। पिंकी को जिस कटर में लपेट कर फेंका गया वो कटर निजी घर का लग रहा है सर। सर मुझे ऐसा लगता है कि पिंकी का रेप यहीं हुआ था। वैसे घर के बाहर एक कच्चा रास्ता जाता जो एग्जैक्टली वहीं मिलता है जहाँ पिंकी मिली थी। आसपास से कोई क्लू? सर घर के बाहर एक स्टेट हाईवे है जहाँ पे नाकाबंदी है। वहाँ पे जो ड्यूटी ऑफिसर है उनसे पूछताछ जारी है। हमारे यहाँ पे कोई भी सीसीटीवी इंस्टॉल नहीं है। हम ज्यादातर उन लोगों को यहाँ पे पकड़ते हैं जो बिहार में शराब लेकर जाते हैं। ये झारखंड और बिहार का स्टेट बॉर्डर है ना, इसलिए यहाँ पे 12 महीने नाकाबंदी रहती है। मतलब कल सुबह यहाँ से जो जो भी गाड़ियाँ निकली उनकी डिटेल्स मिलना मुश्किल है। हाँ अगर पहले से पता हो तो हम गाड़ियों की तलाशी ले सकते हैं। सर वैसे तो हम हर गाड़ी को चेक करते हैं लेकिन एक गाड़ी आई जिसमें आप ही के रेंज का एक ऑफिसर था, इसके लिए हमने उसको जाने दिया सर। सर तो पिंकी की बॉडी से जुड़ी है ना सैंपल्स मिले थे उसे हमने अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड से चेक कर रहे, कुछ मैच नहीं होता है सर। और उस गाड़ी के टायर के निशान से भी कुछ नहीं मिला सर। और सर ना तो रिक्शे वाले और संतोष से कुछ ऐसा पता चला है कि प्लानिंग उन लोगों ने की हो। क्राइम सीन से कोई सुराग नहीं मिला? थोड़ी दूर जाकर शराब के बोतल के टुकड़े मिले और सर उस शराब के बोतल के टुकड़े पर एक शॉप का नाम है। हम कोशिश कर रहे हैं पता करने की कि वहाँ कहाँ से ली गई है और उसके ऊपर से कोई फिंगरप्रिंट्स भी मिले, वो भी चेक कर रहे हैं। सर सर पिंकी का फोन स्विच ऑफ होने से पहले उसको जिसका कॉल आया था उसका पता चल गया। पिंकी को आखिरी कॉल तूने किया, उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हुआ था। क्या कहा उसने? भैया हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या भैया कर रही है तू? पिछले महीने तूने काफी मेंबर बनाए तो इसका मतलब ये नहीं कि इस महीने तू एक भी मेंबर नहीं बनाएगी तो चलेगा। हम तो पिंकी को जानते भी नहीं है। एक नेटवर्किंग बिजनेस है जहाँ स्टूडेंट खुद मेंबर्स बनते हैं और जो मेंबर आगे जाके मेंबर बनाता है उसको कमीशन मिलता है। पिछले महीने पिंकी ने काफी सारे मेंबर बना के कमाई कराई थी लेकिन इस महीने एक भी मेंबर नहीं बना तो कमाई रुक गई, तो सोचा फोन करेंगे तो डर जाएगी, बस इसलिए फोन किया था। पता करो जिस रात पिंकी निकली थी तो उसे इसने कहां से उठाया था। अरे मैडम सुनिए, कोई पकड़ा तो नहीं गया ना? पकड़ा तो कोई नहीं गया और अगर पकड़े गए भी तो विक्की तक कोई पहुंच नहीं पाएगा। जब विक्की तक कोई नहीं पहुंच पाएगा तो हम तब भी कोई नहीं पहुंच पाएगा। तो टेंशन मत लो, हम कुछ दिन अपने बीवी बच्चे के साथ रहते हैं और तुम अपने नाटक पे ध्यान लगाओ, कुछ दिन में सब रफा दफा हो जाएगा। पापा। हेलो बेटा। जाजू। तुम जाओ। बाय बेटा। अरे जाओ ना। बॉटल आपके बार की? हाँ साहब, ये प्राइस टैग हम लोग ही लगाते हैं। बता सकते हैं किसने ली ये बॉटल? ऐसे तो यहाँ बहुत कस्टमर आते हैं जो ये शराब पीते हैं तो ऐसे बता पाना तो मुश्किल है साहब। किसी का अनयूजुअल बिहेवियर नोटिस किया है क्या? अनयूजुअल तो नहीं लेकिन साहब दो लोग ऐसे हैं जो रेगुलर आते हैं और शराब पीते हैं लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो नहीं आ रहे। आप बता सकते हो कौन है वो लोग? साहब दिहाड़ी मजदूर हैं। यस मैम, हम दो लेबर थे जो दो दिन से काम पे नहीं आ रहे। दो वर्कर? यस। नाम क्या है दोनों का? रहते कहाँ है? ये तो नहीं मालूम कहाँ रहते मैम लेकिन चेक करके बता दूँ। संपत और इकबाल जो कुरु गांव के थे मैम। संपत लड़की को जानते हो तुम? कुछ किया तुमने इसके साथ? कहाँ रहते हो तुम? क्या हुआ साहब? तुम जानते हो उसे? ये हमारा भाई है साहब। पर हुआ क्या साहब? तुम्हारे भाई ने एक लड़की का रेप किया है। रेप? ये कैसे रेप कर सकता है साहब? ये तो मंदबुद्धि है, इसको कुछ भी मालूम नहीं है। तो तुम्हें कैसे पता चला कि रेप कर सकता है कि नहीं? क्योंकि साहब हमारी गैरहाजिरी में हमारा दोस्त इकबाल इसका ख्याल रखता है। कहाँ मिलेगा इकबाल? वो तो सर गांव के लिए निकल गया, थोड़ा जल्दी में था। किसके कहने पे किया तूने ये सब? किसी के कहने पर नहीं साहब, हमने तो बस उस आदमी को बात करते हुए सुना।
अरे भूख तो इतनी है कि 2 मिनट में पहुंच सकते हैं। चलो फिर ठीक है, आते हैं। वैसे भी हमारे पास एक घर है जहाँ कोई आता जाता नहीं है, वहीं ले चलेंगे। ईमान से कह रहे हैं साहब, हम उस आदमी को नहीं जानते। हम तो बस उसका पीछा करते हुए गए थे, तो देखा कि उसने चौक से एक लड़की को उठाया। तुम्हारे साथ? हाँ साहब, और फिर उनका पीछा करते हुए हम उस घर तक भी पहुंच गए। कौन लड़की? तुम लोग का दिमाग खराब हो गया क्या? देखो भाई, हम सीधे यहाँ से पुलिस स्टेशन जाएंगे, पुलिस को लेकर ना सीधे यहाँ आएंगे। और कितने लोग थे वहाँ? 3 और थे साहब, पर उनमें से एक ने रेप नहीं किया था। वो वहाँ क्या कर रहा था? वो बाद में आया था साहब, उसी ने लड़की को मारा था, और उसे लगा कि लड़की मर गई तो बॉडी फेंकने भी वही गया था। कौन थे वो लोग? हम उनमें से किसी को नहीं जानते, पर उनमें से एक मेन था, उसी ने सबसे पहले। क्या नाम था उसका? उसका नाम तो किसी ने नहीं लिया था, और बाकियों का भी नहीं लिया था। गाड़ी कौन सी थी? ये तो नहीं पता साहब, पर अच्छी वाली थी। सर राशिद ने जो नाम की लिस्ट दी थी, जिसको उसने धमकी दी थी, उसमें कविता का नाम भी है। पहली मेंबरशिप फ्री में मिलती है, लेकिन अगर दूसरी मेंबरशिप अपने ही नाम पर लेनी है तो 2.5 लाख भरना पड़ता है। कविता ने 2.5 लाख भर के अपने ही नाम पर दूसरी मेंबरशिप ली थी, क्योंकि वो मेंबर्स नहीं बना पा रही थी। हमारे ऊपर बहुत प्रेशर था मैडम, हमको बार बार फोन आते थे, इसीलिए हमने अपने नाम पर एक और मेंबरशिप ले ली थी। इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? उधार लिए थे मैडम। किससे? फ्रेंड से लिए थे मैडम। फ्रेंड? कौन फ्रेंड? कॉलेज का? हाँ मैडम, हमारा सीनियर है विक्की। कुछ भी कर दिया। अरे यार, चलो हम चलते हैं। अभी कहाँ जा रहे हो? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अरे अपने दोस्त विक्की को तो आने दो। अरे यार, पापा का फोन पे फोन आ रहा है। अरे तो कोई बहाना बना दो ना। नहीं यार, मेरे पापा बहुत चिल्लाते हैं, मैं जा रहा हूँ। अरे देखो विक्की भी आ गया। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो ना? और तुम दोनों की दुश्मन पिंकी है। सर हम तो उसको ठीक से जानते तक भी नहीं थे, बस इतना जानते थे कि वो कविता की दोस्त है और उसकी पड़ोसी है। क्या ये बात सच नहीं है कि जब से पिंकी ने तुम्हारा नेटवर्किंग बिजनेस ज्वाइन किया था, तब से तुम्हारे क्लाइंट्स कम होने लगे थे? हाँ सर, लेकिन क्या तुम्हें हमेशा इस बात का डर नहीं था कि कहीं पिंकी तुम्हारे बाप का वो सच ना बता दे जिससे कॉलेज में तुम्हारी इज्जत उतर जाए? अंकल, अंकल का कौन सा सच? पिंकी के रास्ते से हटने से तुम्हारा तो फायदा ही था ना कविता। हाँ लेकिन इसके लिए थोड़ी ना मैडम पिंकी। तुमने नहीं, तुमने उस रात पिंकी को 2.5 लाख रुपए दिए थे, कहाँ से आए पैसे? अब वो पैसे सर, वो तो हम अपने दोस्त से उधार लिए थे। कौन से दोस्त? सर एक है हमारा दोस्त, सर छोड़ जाने दीजिए, वो तो नाम याद आया। जीतू नाम है सर उसका। तूने औरत को समझ क्या रखा है? पांव की जूती, जब यही जूती सर पर पड़ती है ना तो दिमाग ठिकाने आ जाता है। औरतों की इज्जत करना सीख। तो तुमने विक्की को पैसे दिए थे? हाँ सर, दोस्त है, बोला एक महीने में वापस दे देगा, तो हमने पैसे दे दिए। किसी को 2.5 लाख रुपए उधार देने के लिए पैसे आए कहाँ से? नाटक मंडली से इतना तो नहीं कमा लेते होंगे? सर वो पैसे भैया ने दिए थे, वो स्टेट एजेंट है रांची में। क्या हुआ मिश्रा जी, क्या कह रहे हैं लोग? पुलिस उन क्रिमिनल्स को लेकर आई जिन्होंने रेप किया था, अंदर उनसे पूछताछ कर रही है। हम एक फोन करके आते हैं। सर ये कुछ इंपॉर्टेंट है। हेलो। हाँ कहाँ हो तुम? भैया वो दोस्त को पैसे उधार दिए थे तो कोई केस बन गया, पुलिस स्टेशन बुलाए पूछताछ के लिए। हम यहाँ मिश्रा से मिलने आए थे, यहाँ पुलिस उन लोगों को लेके आई है, बाकी लोग जो पकड़े गए हैं, हम तुरंत निकल रहे हैं यहाँ से। ठीक है भैया, आप निकलिए, हम भी निकलते हैं। कब तक बांध के रखा था लड़की को तुमने? हम लोग रात को 9:30 बजे आए थे,
और अगली दोपहर करीब 1 बजे निकले। क्या कर रहा है? साहब यही तो था। गाड़ी रुक। निकल। मेरी चल। तेरे आधे साथी तो अंदर है, बाकी कहाँ है? सर हम सच कह रहे हैं, पिंकी से हमारा कोई दुश्मनी नहीं था। हमको क्या पता सर इतना बड़ा कांड हो जाएगा। हम सर इनसे सुनील जी से कुछ पैसा उधार लिए थे और इनका कर्जा चुका नहीं पा रहे थे, तो फिर एक दिन बस थोड़ा टाइम दे दो, हम पूरा पैसा चुका देंगे। हाथ में रुमाल बांध के मार्केट में खड़ा हो गए। थोड़ा टाइम दे दो बस। तुम्हारे कोई गर्लफ्रेंड है? मतलब कोई फ्रेंड होगी, कोई गर्लफ्रेंड होगी, दिलवा दो तुम्हारा सारा कर्जा माफ। सर हम सोचे कि एक ही रात का तो बात है। एक ही रात की बात थी? तूने उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। और वैसे पिंकी बोल। सर ऐसा हमको सोचे नहीं थे, वो तो बस एक रात हमको कविता का फोन आया कि पार्टी के लिए कोई जगह ढूंढी है। अरे अब तुम अचानक से पार्टी के लिए बोलोगे तो हम कहां से जगह का इंतजाम करेंगे बताओ? अरे हम लोग 4 लोग ही तो हैं, हम तुम पलाश और रुखसा। अरे पलाश कैसे आ सकता है, पिंकी नहीं होगी वहां पे? पिंकी तो अभी अभी घर के लिए निकल चुकी है। अभी अकेले? अरे उसकी मर्जी, जगह तो बताओ। ठीक है हम बताते हैं। और सर फिर हमने सुनील जी को फोन कर दिया। अरे भूख तो इतनी है कि 2 मिनट में पहुंच सकते हैं। एक काम करिए आप निकलिए। हाँ लेकिन उसको रास्ते से उठाना पड़ेगा। रास्ते से लड़की को उठाएंगे तो कोई खतरा तो नहीं है ना? अरे खतरा सब हमारा है, आप बस मजे लीजिए ना। हाँ लेकिन इसके बाद हमारा और आपका हिसाब 0। और सुनील जी स्टेट एजेंट है, इसलिए उनके पास बेचने के लिए ऐसे बंद घरों की चाबी रहती है। ये तो अपने वकील है। मारा क्यों उसको? सर जब दूसरे दिन हमने पिंकी की हालत देखी तो उसकी हालत बहुत खराब थी। हम समझ गए कि बहुत बड़ा गड़बड़ हुआ है। हमको लगा कि कहीं वो पुलिस के सामने अपना मुंह खोल देगी। हम बहुत डर गए थे सर। तो तूने इसकी जान ली? सॉलिड तू भी मरेगा, जब तक जिंदा है हर रोज मरेगा। मर्दों की सोच ऐसी हो गई है कि वो एक लड़की को वस्तु और चीज समझ बैठे, जिसे आप खरीद सकते हैं, जिसे आप बेच सकते हैं, जिसे आप अदल बदल कर अपने व्यापार में इस्तेमाल कर सकते हैं। पर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वो लोग जो कुकर्म कर पकड़े जाते हैं। हमारा समाज लड़कियों को तो ये सिखाता है कि कैसे उठना है, कैसे बैठना है, क्या पहनना है, कब घर से निकलना है, कब घर वापस लौटना है। लेकिन लड़कों को ये क्यों नहीं सिखाते कि लड़कियों की इज्जत कैसे करनी चाहिए? दोहरी मानसिकता का चादर आंखों से हटाकर कैसे लड़कियों और औरतों को आजादी देनी चाहिए? जब तक ऐसा नहीं होगा ये समाज नहीं बदलेगा। और हम सब अपने घरों में बैठकर ड्राइंग रूम में सही और गलत की गाथा गाते रहेंगे। पुलिस ने आखिरकार सारे रेपिस्ट को पकड़ लिया, मगर दुख सिर्फ एक बात का रह गया कि इन क्रिमिनल्स को वो पिंकी के सामने हथकड़ियों में नहीं ले जा पाए। शम्स ताहिर खान का धन्यवाद करते हुए अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।